कोहड़े की पत्ते की जो कि चटनी बहुत ही अच्छी लगता है। और फ्रेंड्स देखिए ये फूल है, आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए ये फूल है कोहड़ा। मैं सब पानी ले ली हूँ और इसको इस पत्ते में इस तरह से, तो फ्रेंड देख सकते हैं अच्छे से जो पत्ता है फ्रेंड थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे से सेक के पीस के रेडी हो गया है। और इसमें फ्रेंड्स आप चाहे तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये कितने अच्छे से जो कि चटनी बनके रेडी हो गया। और इसको आप दाल चावल संगे रोटी, मैं ममता सिंह, माय यूट्यूब चैनल ममता है संतोष ब्लॉग में स्वागत है। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त हो उठे। तो फिर कल मेरा करवा चौथ का है जो कि व्रत बहुत अच्छे से बीत गया। और आज फिर से आप लोग को मैं रेसिपी की जो कि वीडियो आप लोग को शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छी जो कि बहुत ही चटपटा। तो किस चीज़ की बनाऊंगी पूरे वीडियो बने रहेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर प्यार से कमेंट करिएगा। और फिर बहुत मेहनत से वीडियो शूट करती हूँ और उसको आप लोग तक पहुँचाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और प्यार प्यार कमेंट दे दिया करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोहड़े की पत्ते की जो कि चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और आप लोग को बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को मैं जो कि बहुत खाने में दाल चावल संगे सब्जी के संगे रोटी के संगे बहुत ही अच्छी लगती है। पर आ गई हूँ मैं जो कि छोटी चाची जी का कोहड़ा के पेड़ है। फ्रेंड मेरे यहाँ मतलब पौधा नहीं जमा था, ये मैं लगाई थी लेकिन जमा नहीं था। तो यहाँ पर देखिए मैं एक पत्ती थाली ले ली हूँ फिर, और ये है कोहड़ा का पत्ता, देख सकते हैं फिर एक कोहड़ा का पत्ता है। और फिर देखिए ये फूल है, आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए ये फूल है कोहड़ा का। तो चलिए यहाँ से जो जो ये नरम है फ्रेंड्स, ये नरम वाला डंठल को इस तरह से मैं तोड़ लेती हूँ, जो नरम वाला भाग है फिर इस तरह से मैं जितना ज़रूरत है उतना मैं पत्ता ले ली हूँ। फिर जो नरम वाला भाग है फिर उसको उसी को ले आप, देखिए यहाँ पर मैं ले ली हूँ, चलिए इसको धुल लेती हूँ। और फिर जो नरम वाला भाग है देखिए फिर इस तरह से मैं ली हूँ और थोड़ा डंठल लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं नल के पास, इसको अच्छे से दो पानी में धो लेते हैं और बहुत सारा मिट्टी लगा रहता है फिर देख सकते हैं पीछे भी। तो चलिए चलते हैं नल के पास, इसको अच्छे से धो लेते हैं। मैं सब पानी ले ली हूँ और इसको इस पत्ते में इस तरह से सारे मैं पत्ते में पानी में डाल लेती हूँ पत्ते, और इसको दो बार से अच्छे पानी में साफ पानी में दो बार धुल लेती हूँ। मैं धुल ली हूँ, चलिए चलते हैं किचन में और इसको किस तरह से बनाते हैं आप लोगों को इसकी रेसिपी। आज का वीडियो फिर छोटा सा ही रहेगा, तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स और आप लोग को इसकी चटनी आप लोग से शेयर करती हूँ रेसिपी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं तवा रख दी हूँ, तवा मेरा थोड़ा सा लाल हो गया फ्रेंड। जो ये पत्ता है कोहड़े को इस तरह से इसको फिर सेकना है और इसको इस तरह से फैला देती हूँ। इस तरह से फिर सारे तवे पर फैला देती हूँ और इसको दोनों साइड से सेकना है फिर इस तरह से, इस तरह से दोनों साइड से जो पानी है फिर थोड़ा सा सूख जाए और पत्ता थोड़ा सा गल के थोड़ा सा हो जाए। तो दोनों तरफ से फिर इसको सेकना है दोनों साइड इस तरह से। तो फ्रेंड देख सकते हैं अच्छे से जो पत्ता है फ्रेंड थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे से सेक गया है फ्रेंड। और यहाँ पर सारे पत्ते को फ्रेंड इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ सारे पत्ते को फ्रेंड, और एक बहुत ही कड़क हो गया है देख सकते हैं फ्रेंड। तो इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ सारे पत्ते को। और फिर यहाँ पर मैं लहसुन अदरक ली हूँ, इसको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। यहाँ पर लहसुन अदरक अच्छे से भून गया है फिर, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। और इसको चलिए चलते हैं सील बट्टे पर आप लोग को पीस के इसकी चटनी आप लोग। Thank you.
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से चटनी जो कि पीस के रेडी हो गया है। और इसमें फ्रेंड्स आप चाहे तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसको चलिए मैं इसको बर्तन में भी निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से जो कि चटनी बनकर रेडी हो गया। और इसको आप दाल चावल संगे रोटी और जो कि सब्जी के संगे भी इसको खा सकते हैं फ्रेंड। जितना फ्रेंड ज़रूरत हो उतना ही जो कि इसकी चटनी बनाएं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर शाम को मैं दाल चावल बनाऊंगी तो उसके लिए मैं चटनी बना ली हूँ, तो बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड दाल चावल के संगे। तो आज का मेरा आप लोग को ये रेसिपी का वीडियो कैसा लगा, तो आज का मेरा वीडियो छोटा सा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। ऐसे ही सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।